हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइनी। पिछले महीने मैंने अमेजन से एक साड़ी हॉल शेयर किया था और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अमेजन साड़ी ब्लाउज हॉल वीडियो, जहाँ पर मैं डिज़ाइनर ब्रांडेड अफोर्डेबल ब्लाउजेस शेयर करूँगी, सारे अंडर 500 रुपीज़। मैंने ऑफ़र में परचेज़ किया था तो मुझे 500 रुपीज़ के अंदर या आसपास मिल गया था। अभी जो भी प्राइसेस रहेंगे मैं आप लोगों को स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी और सारे ही ब्लाउजेस के जो परचेजिंग इंडिविजुअल लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड कर दूंगी। एक माय हॉल स्टोर का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, जहां पर क्लिक करके आप इन सारे प्रोडक्ट्स को एक साथ देख सकते हैं, उन्हें परचेज भी कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम अमेज़न, तो वो काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। पिछले महीने जब मैंने साड़ी हॉल शेयर किया था, मैंने अफोर्डेबल साड़ीज ही परचेज़ किया था अमेज़न से, जिनमें से सभी साड़ी अंडर 500 रुपीज़ थे और 90% तो 300 रुपीज़ के अंदर थे। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया उस वीडियो को, इसीलिए मुझे लगा एक ब्लाउज़ हॉल अगर मैं शेयर करूँगी तो और भी ज़्यादा आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट गेट इन टू द वीडियो। सो गाइस, अमेज़न पे ना प्राइसेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। कभी कभार डिस्काउंट में आपको अच्छे डील्स मिल जाते हैं और कभी कभार थोड़ा सा प्राइस हाई रहता है। तो जब डील्स अच्छे मिलेंगे आपको, तब आप इन प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। तब तक के लिए आप जो भी प्रोडक्ट्स आपको पसंद आता है ना, उसे आप विश लिस्ट करके ऐड करके रखें एंड फिर जब वो प्राइसेस लो होंगे उस टाइम आप उसे चेकआउट कर लीजिए, परचेज कर लीजिए। इस तरह से ही मैं जनरली अमेज़न से परचेज करती हूँ, क्योंकि कभी कभार सेल के टाइम प्राइसेस बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं। तो जो पहला ब्लाउज मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, दैट इज माय पर्सनल फेवरेट, वो है ये वाला स्टूडियो श्रीनगर का ब्लाउज। और जितनी भी मैं ब्लाउज पीसेस शेयर करूंगी सारे ब्रांडेड है। तो ये है स्टूडियो श्रीनगर का ब्लाउज और इसका जो फ्रंट पोर्शन है वो आप देख सकते हैं कि फ्रंट पोर्शन में ना हुक सिस्टम है और इसमें कोई पैडिंग नहीं है। जो मटेरियल है इसका वो थोड़ा सा सिल्क काइंड ऑफ मटेरियल है। अंदर आपको एक कॉटन का लाइलिन भी मिल जाएगी, जिससे कि काफ़ी कंफर्ट फील होता है। और पीछे एक डोरी है जहाँ पर आप लटकन भी चाहते हैं तो लगा सकते हैं। इसके जो स्लीव्स है वो नॉर्मल स्लीव से थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब मैंने जो यहाँ पर अभी टॉप पहना है ना, इस के स्लीव्स जैसा है इसका स्लीव्स। एंड स्लीव्स पर आपको इस तरीके के गोल्डन डिज़ाइंस मिल जाएंगे। इसका जो फिटिंग है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसमें ना काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा भी दिया गया है, जिससे कि आप इसे अपने हिसाब से, बॉडी टाइप के हिसाब से लूज़ कर सकते हैं या फिर टाइट कर सकते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। मैं स्टूडियो श्रीनगर के ब्लाउजेस इतना ज़्यादा इसीलिए पसंद करती हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा काफ़ी दिया रहता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो इसके स्लीव्स है, स्लीव्स पर इतना ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा उसमें एक्स्ट्रा कपड़ा है और ऑल ओवर बॉडी पर भी इतना ज़्यादा इसमें कपड़ा है, ये पूरा है, जिसे आप यू नो बढ़ा सकते हैं। सो दैट इज़ वेरी गुड। और जब मैं दुकान पर ब्लाउजेस कभी कभार देखने जाती हूँ, मैंने दुकान से मेरे लिए तो कभी भी ब्लाउज़ नहीं ख़रीदा है, मैं फर्स्ट ब्लाउज़ ख़रीद रही हूँ अमेज़न से ही, क्योंकि काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। पसंद नहीं आया आप रिटर्न कर सकते हो, बट ऑब्वियसली आपको वेल नोन ब्रांड से ही परचेस करना पड़ेगा क्योंकि उसमें टैग्स एंड प्रॉपर प्राइसिंग वगैरह रहती है। तो इसका जो मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सिल्की है, ग्लॉसी फिनिश है। बट एक्चुअली मैंने जो ये ब्लाउज परचेस किया ना, इसमें जो मिडिल वाला हुक है वो जब आया था तब नहीं था। सो ये एक मेरे साथ थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग चीज़ हो गई, बट नेवरदलेस ब्लाउज की क्वालिटी इतनी अच्छी है और अंडर 500 रुपीज़ में अगर आपको ये मिलता है देन डेफिनेटली यू शुड ग्रैब दिस वन। आजकल सीक्वेंस के चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं, तो इसलिए मैंने ये वाला सीक्वेंस का ब्लाउज़ लिया है। बट मैं पहले ही बता दूँ, ये कोई वेल नोन ब्रांड से नहीं है। और हाँ, इसमें मैंने कुछ खुद से ऐड किया है, मेरे पापा ने इसमें ऐड किया है। इसमें जो स्लीव्स वगैरह है ये सब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसका स्वीट हार्ट नेक है और पीछे डोरी है, पीछे इसका हुक सिस्टम है और इसमें भी कोई पैडिंग नहीं है। जो बॉम्बे कट ब्लाउजेस होते हैं वैसा इसका कटिंग है यहाँ पर। ये आप किसी भी पार्टीज पर पहनकर जा सकते हैं, इट विल लुक अमेजिंग। और इसमें छोटे छोटे स्लीव्स मैंने ऐड किए हैं इसी सेम कपड़े का। मुझे तो ये वाला ब्लाउज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा एंड मेरे पापा ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, उसकी वजह से ये और भी खूबसूरत हो गया है। इसमें मैंने खुद से, ये कोई पैडिंग के साथ नहीं आया था, मैंने खुद से इसमें हल्का सा पैडिंग ऐड किया है क्योंकि मुझे पैडेड ब्लाउजेस ही पसंद है। बट एक प्रॉब्लम है कि इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू माई बॉडी साइज़, तो इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि इसे मैं थोड़ा सा ऑल्टर भी कर लूँगी। नेक्स्ट, एक रेड कलर की ब्लाउज़ मैंने परचेज़ किया है, विच इज़ फ्रॉम द ब्रांड ओम्फ।
आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइटली, ओम्फ एक ब्रांड है जिनके ब्लाउजेस अंडर 500 रुपीस आपको मिल जाएगी। उनके जनरली बोट नेक ब्लाउजेस होते हैं, ये भी बोट नेक ब्लाउज है। इसके ऊपर गोल्डन डिटेलिंग की गई है, छोटे छोटे इसमें मोटिव्स है गोल्ड कलर के, जो इस पर एक काफ़ी ट्रेडिशनल लुक ऐड कर रहा है। और इसमें भी पीछे आपको हुक सिस्टम मिल जाएगी, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसके जो अंदर पोर्शन है ना, यहाँ पर आपको एक कंफर्टेबल सॉफ्ट कॉटन कपड़े का लाइनिंग मिल जाएगी, और बाहर का जो मटेरियल है वो काइंड ऑफ सिल्क एंड जॉर्जेट काइंड ऑफ मटेरियल है। बट मुझे इसका जो भी इसका जो लुक है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये आप किसी भी साड़ी के साथ पेयर अप कर सकते हैं, किसी भी ट्रेडिशनल एंड इंडियन काइंड ऑफ जो साड़ीज होते हैं उनके साथ आप इसे पेयर कर सकते हैं। मैंने इस साड़ी को जैसे पेयर किया था वो आप देख सकते हैं, इस कलर के साड़ी के साथ भी ये खूबसूरत दिख रहा है। सो वेडिंग सीजन के लिए ये मस्ट बाय है आई वुड से। मुझे लगता है कि ब्लैक जो ब्लाउजेस होते हैं ना, वो ब्लाउजेस आप किसी भी साड़ी के साथ पेयर कर सकते हैं विद ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी या फिर कुंदन ज्वेलरी के साथ। तो वो मैंने इस रेने ब्रांड से ये वाला लिया है। इसका जो नेक डिटेलिंग है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, हाई नेक पैटर्न में है और इसमें जरी का काम है। इसके साथ कोई नेक पीस पहनने की ज़रूरत भी नहीं है, आप नॉर्मली जो बड़े बड़े ऑक्सीडाइज्ड झुमके हैं या फिर कुंदन के झुमके हैं उसके साथ आप इसे पेयर कर सकते हैं। इसके स्लीव्स में भी इस तरीके के जरी का काम किया गया है, फ्रंट पोर्शन में भी बैक पोर्शन में भी। इसका जो बैक है वो मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा, इसकी कटिंग आप लोग देख सकते हैं, इसमें भी बॉर्डर्स डिटेलिंग है और यहाँ पर हुक्स दिए गए हैं। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बॉम्बे कटिंग में है ये ब्लाउज़। इसका फ्रंट पोर्शन आप लोग देख सकते हैं, इसमें कोई पैडिंग नहीं है, ज़्यादा ओपेक नहीं है, थोड़ा सा सी थ्रू है जो आप देख सकते हैं, बट कपड़ा ब्लैक कलर का है तो इसीलिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। आप कोई भी न्यूड कलर का इसके अंदर इनर भी पहन सकते हैं। बॉम्बे कटिंग ब्लाउजेस मुझे जनरली उतना अच्छा नहीं लगा, इसमें कॉन्ट्रास्टिंग गोल्डन डिटेलिंग है जो मेरे लिए अच्छा नहीं है, मुझे इस तरीके के कॉन्ट्रास्टिंग कटिंग पसंद नहीं है। इसके अंदर अगर ब्लैक होता तो मेरे लिए अच्छा रहता। Nevertheless, this is a very good and designer piece. और next जो मैंने एक black color का blouse लिया है वो एक padded blouse है, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आ रहा है। और इसमें tag भी अभी भी है, ये है स्टूडियो श्रीनगर का। ये एक अमेजिंग पीस है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। एक बेसिक इस तरीके का सिल्क का ब्लाउज आपके पास होना ज़रूरी है। इसका जो स्लीव है वो सबसे छोटा है, यहाँ तक इसका स्लीव्स है। एक छोटे स्लीव्स का मुझे चाहिए था और एक पैडेड ब्लाउज चाहिए था मुझे। इसमें स्लीव्स में भी इस तरीके का पॉम पॉम डिटेलिंग है, छोटे छोटे पॉम पॉम का, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट इसमें एलिमेंट ऐड कर रहा है। पीछे इसके डोरी है, जहाँ पर आप चाहते हैं तो लटकन भी लगा सकते हैं। इसकी डोरी भी मुझे काफ़ी मस्त लगी। एंड ऑल ओवर बैक पर ये वाला डिज़ाइन है पॉम पॉम वाला, और फ्रंट पोर्शन में इसका हुक सिस्टम है, हुक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इसमें पैडिंग लगी हुई है। इसका जो मेरा फिटिंग है वो काफ़ी अच्छा है। एंड सेम वे जैसे मैंने कहा, स्टूडियो श्रीनगर के ब्लाउजेस के जो प्लस पॉइंट है वो है कि वो एक्स्ट्रा कपड़ा बहुत देते हैं, तो इसी वजह से इसमें भी एक्स्ट्रा इतना कपड़ा है जिससे कि आप अपने बॉडी टाइप के हिसाब से इसे बढ़ा या घटा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आज के लिए इतना ही, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।